वेलकम टू किशोर एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हम D1 मैथमेटिक्स का जो पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। आपको D1 या D2 मैथमेटिक्स के जो भी सॉल्यूशंस चाहिए वो किशोर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस और D मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस, सब्सक्राइब किशोर एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो सी, Examiner asks that the sum of the squares of the two positive whole number is 794. Yani do numbron ka jo square ka sum hai wo 794 hai. If one of the number is 13, agar ek number 13 ho, find the other. So isko solve kaise karna hai, bahut hi aasan tarika hai, main aapko abhi karke batata hu. Question number 5, solution. सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, यानी जो नंबर हमें मिसिंग है उसको हमने एक्स के लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा था दो नंबर्स का स्केयर, यानी एक्स का स्केयर प्लस 13 का स्केयर इज इक्वल है 794। सो अब हम करेंगे एक्स का स्केयर आ जाएगा प्लस 13 का स्केयर होता है 169 इज इक्वल 794। अब देखें 169 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सब बच्चों को पता होगा कि जो चीज़ यहाँ प्लस होती है उधर जाके माइनस हो जाती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर इज इक्वल 794 और ये 169 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625। देखें क्या ये आंसर है, नो, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्केयर का स्केयर रूट लेंगे और 625 का स्केयर रूट लेंगे। आप ये कैलकुलेटर से लेंगे। अब देखें स्केयर रूट क्यों लिया, ताकि एक्स का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाए। स्केयर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सिंपल एक्स, और जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आएगा, आंसर आपका 25, एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो मज़ीद डी मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस के लिए किशोर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।